Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल सिविल गुरुजी में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर फजलुर रहमान आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैन्युफैक्चरिंग सैंड। मैन्युफैक्चरिंग सैंड क्या होती है, उसका क्या यूज़ है, क्यों हमारी रिवर्स सैंड के बदले हमें मैन्युफैक्चरिंग सैंड को यूज़ करना चाहिए। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्यों सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है हमारी मैन्युफैक्चरिंग सैंड को हमारी रिवर्स सैंड का, आज ये हमारा टॉपिक है। चलिए हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं और जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बिना किसी तरह का वक्त जाया किए, जो है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग सैंड और एम सैंड। क्या है मैन्युफैक्चरिंग सैंड और एम सैंड, सबसे पहले जानते हैं हम हमारी रिवर सैंड के बारे में। रिवर सैंड जो हमारा एक फाइन एग्रीगेट बोला जाता है हमारे कंक्रीट में, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे कंक्रीट बनाने में। एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये हमारे कंक्रीट का, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए ये शॉर्ट पड़ रहा है हमारी इंडस्ट्री को। इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसकी जो कॉस्ट है हमें काफ़ी ज़्यादा हाई पड़ रही है, इसलिए अब हम जो यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सैंड यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सैंड के मुकाबले हमारी रिवर सैंड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम इसकी कॉस्ट आ रही है, इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग सैंड को हमारी रिवर सैंड का सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं। तो चलिए अब हम मैन्युफैक्चरिंग सैंड के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि आखिर वो बनती कैसे है। जैसे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सैंड है वो बनती है 3 स्टेजेस में। तो सबसे पहली उसकी जो स्टेज होती है वो होती है क्रशिंग, कि हमारे जो रॉक्स होते हैं, जो एग्रीगेट्स होते हैं, तो उसे क्रश किया जाता है हमारे जॉ क्रशर में, जो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा जॉ क्रशर। इसमें बड़े पार्टिकल्स, जो बड़े एग्रीगेट है, उसे डाला जाता है और उसे ये छोटे एग्रीगेट्स बनाकर हमें देता है। उसके साथ साथ इसके बाद जो हम क्रशर यूज करते हैं वो करते हैं हमारा कोन क्रशर, जो इस तरह से होता है हमारा कोन क्रशर। इसमें एवरेज साइज के पार्टिकल्स डाले जाते हैं और वो उसे फाइन करके हमें देता है। इसके बाद का जो क्रशर यूज करते हैं हम लोग वो है इम्पैक्ट क्रशर। इम्पैक्ट क्रशर का काम क्या होता है, इसमें हम एवरेज साइज के हमारे एग्रीगेट्स डालते हैं और उसे वो हमें काफी ज्यादा फाइन करके देता है, जो हम सैंड के रूप में, जिसे हम लोग सैंड के रूप में यूज कर पाए। उसके बाद इसकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में जो सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी, एक खास ऑफर के साथ पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर, सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। अलग अलग जो हमारे पार्टिकल्स होंगे उसे अलग अलग सीव्स में डालकर उसकी स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद उसकी वॉशिंग की जाती है ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो उसे हटा दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस की, कि हमारे एम सैंड के जो एडवांटेजेस है वो क्या है, क्योंकि हम इसे रिवर सैंड के बदले यूज़ कर रहे हैं तो कुछ एडवांटेजेस होंगे तभी इसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसकी वाइड अवेलेबिलिटी, ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है मुकाबले हमारे रिवर सैंड के। उसके बाद इसके जो दूसरा एडवांटेज है वो है इसके पार्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं। थर्ड एडवांटेज है इसकी हाई स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है हमारे रिवर सैंड के मुकाबले में। उसके बाद इसकी जो वर्केबिलिटी है वो ज़्यादा है हमारे रिवर सैंड के मुकाबले। बाद में ये इकोनॉमिकल है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, अगर हम रिवर सैंड की बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा ही इकोनॉमिकल है। उसके बाद ये इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि हम लोग सैंड लाते कहाँ से, हमारी रिवर सैंड कहाँ से आती है, हमारी रिवर से आती है। तो जब रिवर की हम लोग माइनिंग करेंगे, सैंड माइनिंग करेंगे, तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली है हमारे रिवर सैंड के मुकाबले में। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की, मैन्युफैक्चरिंग सैंड के डिसएडवांटेजेस के बारे में। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से किसी के एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग के डिसएडवांटेजेस है जो है इसकी जो लो मॉइस्चर कंटेंट है, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा लो मॉइस्चर कंटेंट है, क्योंकि हमारी जो रिवर सैंड होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पहले से मॉइस्चर होता है, उससे हमें हमारे कंक्रीट में ज़्यादा पानी डालने की, ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम हमारी क्रश सैंड, मैन्युफैक्चरिंग सैंड उसमें डालेंगे तो उसमें पानी ज़्यादा लगेगा। उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो इसमें मिलावट बहुत आसानी से की जा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग सैंड में मिलावट काफ़ी आसानी से की जा सकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन जो इसका ये डिसएडवांटेज है उसे हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे टेस्ट के जरिए। जैसे सबसे पहले एडिटेशन टेस्ट होगा, उसके बाद हमारा वर्केबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद हमारा रिबाउंड टेस्ट होगा और लास्ट में हमारा जो टेस्ट है वो है स्लम कोन टेस्ट। इससे हम हमारा जो मिलावट होगी हमारी सैंड में उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी रिवर सैंड और एम सैंड के बारे में।
कि इसमें से कौन सी सैंड है जो हमें हायर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, अगर हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं तो कौन सी इसमें हमें हायर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जैसे अगर मैं बात करूं नेचुरल सैंड की, तो नेचुरल सैंड जो होती है हमारी वो काफी ज्यादा टर्बुलेंट सहकर आई हुई होती है हमारे जो रिवर्स में से, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो काफी ज्यादा स्मूथ टेक्सचर के होते हैं, उसकी जो सर्फेस होती है वो काफी ज्यादा स्मूथ टेक्सचर की होती है और सॉफ्ट होती है मुकाबले में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सैंड के। तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सैंड है उसे क्रश किया जाता है बड़े एग्रीगेट्स को, तब हमारी मैन्युफैक्चरिंग सैंड बनती है, तो इसलिए उसका जो सरफेस टेक्सचर है वो क्रिस्टल टाइप होता है और वो एक रफ टेक्सचर देता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सैंड को। तो अब हम जानते हैं कि कैसे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सैंड है वो सैंड माइनिंग को रोक रही है और हमारे इकोसिस्टम को भी बचा सकती है अगर हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो। सबसे पहली बात कि जो हमारे सैंड का अमाउंट है वो 35% यूज़ किया जाता है हमारे कॉन्क्रीट में, तो सिंपल सी बात है इसमें हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा हमारी सैंड को। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सैंड यूज़ करते हैं तो हमें उतनी सैंड माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, जिससे हमारे रिवर को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंच रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सैंड यूज़ करते हैं तो इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे भी है, क्योंकि हमें उतनी माइनिंग नहीं करनी होगी हमारे सैंड की, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है हमारे इकोसिस्टम को। तो मैन्युफैक्चरिंग सैंड एक अच्छा अल्टरनेटिव है हमारी रिवर सैंड के बदले, इसलिए उसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इंजीनियर्स, एक खुशखबर आप लोगों के लिए ये कि अब हम लोग रीओपन कर चुके हैं हमारी ब्रांच भिलाई में। तो अब हमारी जो ब्रांचेस है वो है भिलाई, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर। तो भिलाई की जो हमारी ब्रांच है उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 15 अप्रैल के लिए, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए भिलाई ब्रांच में और सीखिए हमसे सिविल इंजीनियरिंग के 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, सर्वे, क्वांटिटी सर्वे और बिलिंग और केस स्टडी, जिसमें आपको प्रिपेयर किया जाएगा इंटरव्यूज के लिए। और किसी तरह की अगर आप लोगों को क्वेरी है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो है 9111001234। और मैं आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज और टेक्निकल वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।